अगर आपने भी सुना है कि राजनीति अनिश्चितताओं से भरी है तो इन दिनों आपको ये बात अपनी आंखों तले सच होती हुई दिखाई पड़ रही होगी। एक के बाद एक अपने सस्पेंस के पिटारे से भारतीय जनता पार्टी ऐसे सरप्राइज निकाल रही है जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव के बाद राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर बीजेपी ने बड़े बड़े दिग्गजों के गैसिंग गेम को ध्वस्त कर दिया है। राजस्थान में जब सीएम चेहरे का ऐलान हो रहा था तब मंच पर राजनाथ सिंह के साथ वसुंधरा राजे भी दिखाई पड़ी थी। आंखों में मुख्यमंत्री पद की लालसा, चाल में सीएम बनने का कॉन्फिडेंस और चेहरे पर मुस्कान ओढ़ी हुई वसुंधरा राजे की ये भावनाएं इतना बताने के लिए काफी थी कि इस बार राजस्थान में महारानी का ही राज होगा। हालांकि राजस्थान में महारानी का राज हुआ भी, लेकिन इस बार महारानी वसुंधरा नहीं बल्कि दिया कुमारी है जिन्हें डिप्टी सीएम के पद पर नियुक्त किया गया है। साधारण सी दिखने वाली राजस्थान की नई नवेली डिप्टी सीएम दिया कुमारी का असल में जयपुर राजघराने से ताल्लुक है। राजमाता गायत्री देवी के बेटे भवानी सिंह दिया कुमारी के पिता हैं, इसीलिए दिया के पास करोड़ों की संपत्ति है और उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से की है। चुनाव आयोग में जमा किए अपने हलफनामे में दिया ने बताया कि उनके पास 19 करोड़ की नेटवर्थ है जिसमें उनके पास लगभग 75,000 रुपए कैश और अलग अलग बैंकों में लगभग 2 करोड़ रुपए जमा हैं। ज्वेलरी की बात करें तो दिया कुमारी के पास 75 लाख रुपए के गहने हैं। इसके साथ ही राजस्थान के सबसे अमीर नेताओं की सूची में शामिल दिया शेयर मार्केट में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं और उन्होंने अलग अलग शेयर्स में करोड़ों रुपए भी इन्वेस्ट करके रखे हैं। वहीं आपको बता दें कि संपत्ति के अलावा उनके नाम पर किसी भी तरह की कृषि भूमि या कॉमर्शियल भूमि या फिर कोई घर या फ्लैट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।